फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रेया आ गई हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए और एक रेसिपी का वीडियो। आज का रेसिपी भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे ओनली 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल में, और आज का रेसिपी है चिली मशरूम का रेसिपी। सबसे पहली बात, आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स सबका ध्यान रखिए, और जितना भी कोरोना का कोविड का रूल्स रेगुलेशन है सब कुछ मानने चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी, आज का रेसिपी हम लोग बना रहे हैं चिली मशरूम का रेसिपी। तो चिली मशरूम के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ले रही हूँ आप लोग देखिए। मैं ली हूँ 3 मीडियम साइज़ का ऑनियंस, 2 कैप्सिकम वो भी मीडियम साइज़ का, और सारा का सारा जो सामान है उसको चॉप्ड कट नहीं करना है, थोड़ा बड़ा साइज में कट करना है। और जो ऑनियन का हमारा लेयर बाई लेयर होता है, सारा लेयर उसको ओपन करके रख देना है। और साथ ही मैं ले रही हूँ 3 ग्रीन चिलीज, और हम चिली का कुछ आइटम बना रहे हैं, कुछ रेसिपी बना रहे हैं, और उसमें ग्रीन चिली ना हो वो तो हो ही नहीं सकता। तो मैं इधर ग्रीन चिली को लेके ऐसे ही मेरे से कट कर दी हूँ, उसको इसको भी हम लोग को चॉप कट नहीं करना है। तो देखिए, ये मेरा 3 इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे मशरूम, और ऑलरेडी मैं मशरूम को क्लीन करके धो के उसको थोड़ा हल्दी पानी में, टर्मरिक पाउडर में अराउंड 10 मिनट ऐसे ही डिप करके रख दी थी, ताकि उसमें कुछ अगर जर्म्स वगैरह कुछ भी हो तो वो निकल जाए, हमारा क्लीन हमारा हो गया मशरूम। और अभी मशरूम को हमको कट करना है। देखिए, मैं मशरूम को मीडियम से हाफ कट कर रही हूँ, उसको भी चॉप्ड कट नहीं कर रही हूँ, इसे देखिए पूरा हाफ ही करना है उसे, और छोटा पीसेस में कट नहीं करना है। तो ऐसे ही सारा का सारा मेरे पास, मैं अराउंड 200 ग्राम्स का मशरूम ली हूँ, और ये सारा मशरूम को ऐसे हाफ हाफ कट करके ले रही हूँ। तो देखिए, मेरा मशरूम अभी कट होके अभी रेडी हो गया है, और अभी मैं सारा का सारा इन्ग्रीडियंट्स दिखा रही हूँ। अभी अगर आप सोच रहे होंगे, छोटा सा बोलने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा अराउंड 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स को लेके इसको कट करके रख देती हूँ। इसका यूज़ क्या है मैं बाद में बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें थोड़ा ही ऑयल डाली हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं डाली हूँ, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जीरा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और अभी सारा का सारा ये जीरा और थोड़ा ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे कटा हुआ मशरूम्स। अभी मशरूम को पूरा अच्छे से डाल देना है और उसको फ्राई करना है। जैसे आप लोग को बताई थी कि मशरूम में पहले पानी में डिप करके रखी थी, और मशरूम से ऐसे ही पानी बहुत अच्छा होता है, तो इसको थोड़ा सा इसमें इसको कवर डाल के थोड़ा फ्राई करना है, जिससे कि इसका जो पानी जितना है, जितना मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब किया है, सारा का सारा पानी इसका एक्सपेक्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग अपना वेट लॉस जर्नी में हैं, ये रेसिपी को वो पक्का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ओनली 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल बहुत ही लेस ऑयल में बन के रेडी हो रहा है। और ये चिली का आइटम जिसको पसंद है खाने में, वो बहुत ही मज़ा आएगा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जैसे बोली थी कि मशरूम से बहुत ही पानी निकलता है, इधर देखिए पूरा पानी बहुत एक्सपेक्ट होता है। तो जब तक मेरा मशरूम रेडी होता है, फ्राई होता है, तब तक मैं बाकी सारा आइटम्स अभी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, इधर मैं सारा चीज़, इधर सोया सॉस ली हूँ 2 टेबलस्पून, ये रेड चिली सॉस है ये भी 2 टेबलस्पून ऑफ है, और ये ग्रीन चिली सॉस है ये भी मेरा 2 टेबलस्पून है, और मैं साथ में ली हूँ चॉप्ड गार्लिक क्लोव्स, एंड साथ में ली हूँ टमाटो सॉस। फ्रैंकली सेइंग, मैं 2 टेबलस्पून ऑफ नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे खाने में टमाटो सॉस बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं इधर इसमें 4 टेबलस्पून ऑफ टमाटो सॉस ले ली हूँ। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पानी निकल रहा था मशरूम से ऑलमोस्ट अब जब हो गया है, तो इस टाइम में मैं अभी डाल रही हूँ बारीक की मेरा कटा हुआ सारा ऑनियंस एंड कैप्सिकम्स। ऑनियंस मेरा चॉप, ऑनियंस और कैप्सिकम्स, और जो ग्रीन चिली मैं कट करके रेडी करके रखी थी, इसको इस टाइम में सारा डाल दी है, और डालने के बाद अभी इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अभी हम लोग फ्राई कर लेते हैं। Thank you.
देखिए इधर मैं अब तक सॉल्ट यूज़ नहीं की हूँ। अभी सारा का सारा जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है सब रेडी होने के बाद इस टाइम में मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि अभी सारा डालने के बाद पता चलता है कि कितना सॉल्ट ज़रूरी है। पहले से अगर डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर आपको मेजरमेंट अगर आपको पता चल जाए तो आप स्टार्टिंग से डाल सकते हैं। तो इस पर टेस्ट इधर हम सॉल्ट ले लिए हैं और इसको मैं कवर कर दी हूँ। अराउंड 3-4 मिनट्स होने के बाद इसको कवर निकाल कर चेक करना है कि ये कितना दूर तक कितना हद तक हो गया है। बीच बीच में इसको कवर करना है और बीच बीच में इसको सॉटे करना है और इसको चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छे से थोड़ा फ्राई होने के बाद हम लोग बाकी सारा जो सॉस रखे थे उसको डालेंगे। फर्स्ट मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, वो भी 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, और सोया सॉस डाल के इसको मैं चला रही हूँ। उसको चलाते रहना है कंटिन्यूसली, नहीं तो नीचे से लग जाता है, क्योंकि हम लोग ओनली 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ रेड चिली सॉस। आपके पास अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी कंपल्सरी है नहीं। उसके बाद ले रही हूँ मैं ग्रीन चिली सॉस और मैं लेके इसको कंटिन्यूसली डाल रही हूँ और कंटिन्यूसली चलाते रह रही हूँ ताकि नीचे से हमारा लग ना जाए। तो फ्रेंड्स देखिए इसको मैं डाल दी हूँ। अभी सारा का सारा सॉस डालने के बाद इसको चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। तो देखिए अभी लास्ट में मैं डाल रही हूँ इधर टमाटो सॉस, और मैं बोल रही थी टमाटो सॉस मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ। तो सारा का सारा सॉस हम लोग का डल गया, क्योंकि हम चिली का रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें डल के इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हमारे चिली में थोड़ा स्पाइसी डालने के लिए मैं इधर अराउंड 8-10 पेपर लेके इसको क्रश करके इसको पाउडर बना के इसमें डाल दूँगी। उसको डाल के अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो पेपर पाउडर है इसको वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए सारे में। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेगा। हमारा चिली मशरूम देखने में कितना अच्छा दिख रहा है देखिए। सो फ्रेंड्स अभी मैं डालने जा रही हूँ इधर मेरा चॉप्ड गार्लिक क्लोव्स। इसको डालने के बाद ये खाने में टेस्ट को फ्लेवर को थोड़ा ज़्यादा एनहांस कर देता है, आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसलिए मैं बोली थी कि स्टार्टिंग से कट करके रख दी हूँ करके। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग खाने में थोड़ा ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो आप ये डाल सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि अनहेल्दी है, बहुत ही हेल्दी है, आप डाल सकते हैं। सो सारा का सारा मटर डाल के अभी मैं इसको थोड़ा सा कुक करने के लिए जैसे इसको कवर डाल के कुक करने के लिए छोड़ रही हूँ और बीच में इसको चला रही हूँ। लास्टली एंड इम्पोर्टेंट मैं इधर अभी 1 टेबल स्पून थोड़ा सा ही विनेगर डाल दी। तो देखिए मेरा थोड़ा सा विनेगर डल गया है, और थोड़ा विनेगर डाल के ये एंड मोमेंट में डाल दूँगा, क्योंकि मेरा जो चिली मशरूम है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी 99% रेडी होने के बाद मैं इधर डाल रही हूँ और इसको डाल के अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो मैं फ्रेंड्स इधर नोट कीजिए मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया, ओनली 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया हूँ। मैं बार बार इसको बता रही हूँ ताकि आप लोग सब इसको अपने खाने में ले सकें। और लास्टली एंड हेल्दी चीज़ ले रही हूँ मैं सेसमे सीड्स। आपके पास अवेलेबल होंगे, घर घर में अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो भी आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपके खाने में आपके वेट लॉस जर्नी में आपके खाने में बहुत ही हेल्दी है। और ये सीड्स जो है बहुत ही हेल्दी रहता है सबके लिए, बच्चे से लेकर बड़े तक। और ये आपके घर किचन में होना ही चाहिए और ये बहुत ही हेल्दी सीड्स है। तो फ्रेंड्स देखिए चलिए हम अभी हमारे जो चिली मशरूम है अभी इसको सर्व कर लेते हैं और चलिए खाना भी खाते भी हैं। आप ये जो चिली आइटम है आप डिनर में ले सकते हैं, लंच में साइड डिश में ले सकते हैं, आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी आप है जो बच्चों को नहीं होगा सूट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज का रेसिपी मैं इधर ही रखती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।